वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेक लोन जॉब। स्टूडेंट इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड काउंसलिंग को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट है और कैसे स्टार्ट है, क्या इसके लिए अलग से कोई लिंक आएगा और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसमें लिखा हुआ है जैसे कि नोटिस है आरएचएस का, आरएचएस की वेबसाइट से लिया गया है, इसको समझ लेते अच्छे से। आवंटित कॉलेज सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग एवं ज्वाइनिंग के पश्चात अभ्यर्थी अपनी इच्छुकता द्वितीय चरण के लिए बदल सकता है, यानी कि जो भी कॉलेज अलॉट हुई थी फर्स्ट काउंसलिंग में उसके ज्वाइनिंग के पश्चात ही द्वितीय काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकता है। मतलब जिसको अलॉट हुई थी, नहीं हुई तो लेगा ही लेगा, बट जिनको हुई थी गलती से द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु यश में इच्छा जाहिर करने पर, गलती से द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु यश में इच्छा जाहिर करने पर अभ्यर्थी को स्वतः ही उसके विकल्प एवं मेरिट के आधार पर अपवर्ड मूवमेंट कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वितीय चरण में भाग नहीं लेना चाहता एवं प्रथम चरण के आवंटित कॉलेज में रहना चाहता है तो उसको नो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसको फर्स्ट जो कॉलेज अलॉट हुई थी फर्स्ट काउंसलिंग में उसी में वो कंफर्टेबल है तो नो में करेगा ना, क्योंकि उसको द्वितीय में नहीं लेना, बट जिसको लेना है तो उसको यस करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यस कहाँ करना है, नो कहाँ करना है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यह विकल्प प्रथम चरण के आवंटित कॉलेजों में सफलतापूर्वक, कौन सा विकल्प, यस और नो का विकल्प की बात कर रहा है। यह विकल्प आवंटित कॉलेजों के सफलतापूर्वक ज्वाइनिंग के पश्चात ही मिलेगा आपको 22 दिसंबर 2090 को मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य है। अगर कोई विशेष कारण रह सकता है कि इसका लिंक ना आए, ऑप्शन यस और नो का ना आए, वो टेक्निकल इश्यू चलता रहता है इसमें, तो उसके लिए आप फिक्र ना करें। बट ये जो डेट दी हुई है यहाँ पर यही दी हुई है यस और नो का ऑप्शन करने की, और हम देख लेंगे कहाँ चेक करना है, कैसे करना है, वो भी हम आगे देख लेंगे आराम से। चीज़ों को अच्छे से धीरे से समझे तो आधा डाउट तो हमारा वहीं क्लियर हो जाता है। यदि अभ्यर्थी ने द्वितीय चरण में भाग लेने हैं तो यस किया है और उसे कोई द्वितीय चरण में अन्य सीट आवंटित हुई है, रिपोर्ट वो ज्वाइन किया है, तत्पश्चात उसकी प्रथम चरण की सीट को निरस्त कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट थे कि हमें जो द्वितीय काउंसलिंग में मिली नहीं है कॉलेज, जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसी में रहना चाहते हैं, अगर नहीं मिली तो ऑब्वियसली बात है कि आप फर्स्ट को जो कॉलेज लौट हुई थी उसी में रहेंगे। बट आपको सेकंड काउंसलिंग में मान लीजिए कोई दूसरा कॉलेज मिल गया बट आप उसको ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हो, तो क्या आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज लौट हुई थी वो यथावत रहेगी? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि द्वितीय चरण में अन्य सीट आवंटित होने पर अगर उसने ज्वाइनिंग नहीं की है तो उसकी सीट निरस्त कर दी जाएगी प्रथम चरण वाली। समझ लेना बातों को ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले तो ये बताओ, अगर आपने सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिया है तो कॉलेज अलॉट होने के लिए तो लिया है ना, तो ज्वाइनिंग भी करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ऐसे में अगर सीट वैकेंट रहते आप नहीं ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो फिर इनको थर्ड काउंसलिंग का लफड़ा होता है, तो सोच समझ के काम ले स्टूडेंट। देर से रिपोर्टिंग एवं समर्पित छोड़ी गई, अभ्यर्थी जिसे पूर्व में आवंटित सीट पर रिपोर्ट एवं ज्वाइनिंग कर लिया है वह सीट छोड़ना चाहता है तो उसे रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रिंसिपल के समक्ष ज्वाइनिंग के निश्चित समय अवधि में क्या करना पड़ेगा, सीट उपस्थित होकर सीट छोड़ने का पत्र देना होगा। ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग के लिए मान्य नहीं होगी, ये द्वितीय काउंसलिंग का नोटिफिकेशन हो गया और ये सर नो का ऑप्शन ये डेट दी हुई है इसी को आएगा और कब तक रहेगा 22 दिसंबर मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। आगे क्या है, द्वितीय चरण सीट आवंटित हो जाएगी आपको, उसकी डेट टाइम टेबल में दी हुई है जो कि आपको मालूम है। सीट आवंटन की द्वितीय चरण के लिए अभ्यर्थी को योग्य माना जाएगा, यानी कि जिनकी योग्यता ये होनी चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में भी इसका डिस्कस किया था, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प भरे परंतु फर्स्ट काउंसलिंग में उनका नंबर नहीं आया है, जिन अभ्यर्थियों को प्रथम चरण की सीट आवंटित की गई सफलतापूर्वक
ज्वाइनिंग किया है, मतलब उसको पहले फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल गई बट उन्होंने क्या किया, उसे ज्वाइन भी कर लिया तो भी वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो लिया परंतु उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच था, मिस्टेक थी, इस वजह से वह द्वितीय चरण के लिए योग्य माना जाएगा अनुसंग पर ही। आरएचएस यहाँ पर दिया हुआ है काउंसलिंग बोर्ड की अनुसंग पर ही। और द्वितीय चरण की रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग ये बाद की बात है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा द्वितीय काउंसलिंग का उसके बाद की। अभ्यर्थी की आवंटित कॉलेजों में 23वें अवधि में लागू दस्तावेज आपको वहाँ पर जमा करवाने हैं, और अगर आप डेट के बाद जाते हो तो फिर कोई सुनवाई नहीं आपके, और यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। इस चीज़ को अच्छे से देखना समझना होता है स्टूडेंट, क्योंकि हम लापरवाही कर जाते हैं और हमें बाद में भुगतना पड़ सकता है। योग्यता की बात कर ली हमने, अब बात रही कि कैसे चेक करें, तो हम देख लेते हैं कि लिंक आया हुआ है या नहीं है। चले स्टूडेंट, हम आ गए आरएचएस की वेबसाइट पर, जहां पर देख लेते हैं इसका लिंक सेकंड काउंसलिंग के लिए आया है या नहीं है। सो स्टूडेंट, 22 दिसंबर हो चुका है बट यहां पर नज़र नहीं आ रहा सेकंड काउंसलिंग के लिए कोई लिंक अवेलेबल है, फिर भी हम लेटेस्ट न्यूज़ पर क्लिक करके देख लेते हैं। यहीं पर तो मिलेगा नहीं, लेटेस्ट न्यूज़ पर ही मिलेगा। राजस्थान एडमिशन बीपीटी के लिए ये एग्ज़ाम, बी फार्मेसी के लिए राजस्थान एडमिशन, पैरामेडिकल MBBS ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म RHS, ये जो कि पहले वाला है, यानी कि यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग के लिए तो है ही नहीं। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हमारा जो बीएस नर्सिंग है, एमएस नर्सिंग है, पोस्ट बीएस नर्सिंग है, उस वाले लिंक पे जाके अंदर थोड़ा देखना पड़ेगा, शायद वहाँ मिल जाए। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो है यहाँ पर दो ही ऑप्शन है कि डाउनलोड नोटिफिकेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेते हम। बट यहाँ पर स्टूडेंट इससे आगे इसमें इंटर नहीं कर सकता कोई भी, बट स्टूडेंट आप इसके आगे भी जा सकते हो क्योंकि आपके पास है यूज़र आईडी और पासवर्ड। यहाँ पर आप अपना कोर्स सिलेक्ट करना, जो भी है पोस्ट बीएस नर्सिंग, एमएस नर्सिंग, बीएस नर्सिंग, ये कोर्स यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है यहाँ पर, उसी के बाद आपको सेकेंड काउंसलिंग का हो सके लिंक मिल जाए, क्योंकि आपका जो सेट अलॉट हुई थी ना वो भी तो यहीं से ही चेक किया था ना, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी टाइट कर दी स्टूडेंट। पहले आरएचएस की वेबसाइट में इतनी सिक्योरिटी टाइट नहीं थी, पहले कोई भी बंदा यहाँ पर आके किसी का रिजल्ट, किसी का भी सीट अलॉटमेंट देख सकता था, यानी कि मैं आपकी सीट देख सकता था यहाँ पर कि कौन सी मिली आपको, कौन सी नहीं मिली है। और उसमें एक रिस्क थी कि जैसे इसका जो कैंडिडेट है वो सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहता, बट किसी बंदे ने वेबसाइट खोल के उसका डेट ऑफ बर्थ डाल के, यहाँ पर उसके एप्लीकेशन फॉर्म रोल नंबर डाल के जो सीट अलॉटमेंट थी उसमें यस कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए ये सिक्योरिटी लगाई है आरएचएस वालों ने। अब आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के देख सकते हो, यहाँ पे आपको सेकेंड काउंसलिंग के लिए कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा।